हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th NCERT बुक उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये रियल नंबर है, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें ये चेक करना है कि या रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा या फिर सिमेट्रिक होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। तो फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब ये होना चाहिए। अब अगर हम जानते हैं चूँकि a अगर 0, 1 के बीच में है तो a कभी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा a की पावर n, यानी n हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 n होगा 2, 3, 4। ये हमारा एक रिजल्ट है और इसको याद रखना। अब यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम a इज इक्वल्स टू 1/2 लें तो a क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 1/8 से लेस तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, तो ये हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी कि अगर हमारा ए जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है कि अगर एक इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डेफिनेशन है, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर ए कॉमा बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब हो जाएगा, पर ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि बी लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब। ये कब होगा, जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, तभी ये हमारी जो है इनइक्वालिटी सिमेट्रिक हो पाएगा, इसके अलावा कभी नहीं होगा। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए अगर हम 1 रखें और बी अगर हम 2 रखें तो 1 less than equals to 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1, 2 belongs to R। अब यहाँ पे अगर हम 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, b हमारा 2 है, लेस देन इक्वल टू 1 जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, ना तो हमारा 2 जो है 1 के इक्वल हो सकता है और ना ही 1 से लेस हो सकता है। तो बट 2, 1 does not belongs to R। ठीक है, लेकिन हमारे चूंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है तो बी ए को भी आर में होना पड़ेगा, पर यहाँ पे 1, 2 आर में है पर 2, 1 आर में नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। तीसरा क्या है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव क्या होता है कि इफ़ ए कॉमा बी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो a और a कॉमा b b कॉमा सी अगर r में है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब, b लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब, और यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब करें तो b क्यूब लेस देन इक्वल्स टू c की पावर 9, और ये क्या इंप्लाई करेगा, a इज लेस देन इक्वल टू c की पावर 9। बट r में जाने के लिए क्या होना चाहिए, a को लेस देन होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब, पर यहाँ पे c की पावर 9 है तो a कॉमा c r में नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।